गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो हमने पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन द रीसेंट इंडिजिनस टेस्ट दैट हैव बीन डेवलप्ड फॉर COVID-19 डिटेक्शन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड से। पहला डिफिकल्ट वर्ड जो है, फ्रेज है एक्चुअली, ये राइज टू द ओकेजन। सो राइज करने का मतलब ही क्या हो गया, किसी एक राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए जब आप कोई स्पेशल एफर्ट करो, जब आप थोड़ा सा यू कैन से एक स्टेप फर्दर जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ सको, दैट मीन्स यू आर राइजिंग टू द ओकेजन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेनस। इंडिजेनसली में एलवाई लास्ट में आ गया, सो ऑब्वियसली ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, एडवर्ब होगा। और इंडिजिनस का मतलब होता है एक लोकल एरिया में ओरिजिनली जो चीज़ पाई जाए। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑपरेट हो रही है या किसी या हैपनिंग, इट्स हैपनिंग इन दी लोकल एरिया। ठीक है, एक लिमिटेड एरिया में वो चीज़ अगर पाई जाती है तो वो इंडिजिनस होती है। नेक्स्ट इज स्केल अप। स्केल अप करना ये वर्ब होगा और इसका मतलब होता है अप से, याद रख लो, अप का मतलब ऊपर जाना, मतलब इंक्रीज होना। तो स्केल अप का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी मात्रा, अमाउंट जो है किसी चीज की, उस मात्रा को बढ़ाना, इंक्रीज करना। फिर आता है वो डाइल्यूटिंग। आप इसको डाइल्यूट करने से याद रख लो, हम लोग जब भी किसी एसिड बेस ये सारी चीजों को साइंस से पढ़ते हैं ना, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, उसमें और पानी डाल के उसके स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को कम कर रहे हैं। सो वहीं से वो डाइल्यूटिंग का मतलब हो गया किसी भी चीज की जब आप स्ट्रेंथ को, पावर को कम करते हो। ठीक है, यानी कि इसको डाइल्यूट कर रहे हो। अगेन ये काम करेगा वर्ब का। आगे चलते हैं नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव जो है, अगर हम बात करते हैं मेडिकल टर्म्स में, जैसा कि इस आर्टिकल में यूज हुआ है, तो उसका मतलब होता है कोई भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई भी टेस्ट अगर आप ऐसा करते हो जिसमें बॉडी को कट करने की, स्किन को कट करने की, या यू नो बॉडी के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डालने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, सो इट इज़ रिलेटिंग टू मेडिकल टेस्ट और ट्रीटमेंट दैट डज नॉट कट द स्किन और एंटर एनी ऑफ द बॉडी स्पेसेस, ना तो स्किन को कट करे ना ही बॉडी के किसी स्पेस के अंदर अगर उसको एंटर करना पड़े। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। सूनर बेटर ऑन इंडिजिनियसली डेवलप्ड COVID-19 टेस्ट किट्स। ठीक है, एक आपने ना स्ट्रक्चर याद करना है, वैसे तो यहाँ पे द सूनर द बेटर होना चाहिए था। कई बार क्या होता है कंपैरेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स की जब हम यूज करते हैं ना, तो दोनों तरफ एक तरफ कॉमा लगाकर दोनों तरफ अगर कंपैरेटिव डिग्रीज आ रही हैं तो यूजुअली उसके आगे हम लोग द लगा देते हैं। ठीक है, लाइक द सूनर द बेटर, द मोर द मैरियर। ठीक है, ऑन इंडिजिनियसली डिवेलप COVID-19 टेस्ट किट। सो दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी अबाउट COVID-19 की टेस्ट किट जो कि अभी बनाई गई है, डिवेलप की गई है इंडिजिनियसली अपने ही कंट्री में। ठीक है, थैंक्स टू द पैंडमिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैव बीन एबल टू डेमोंस्ट्रेट देयर एबिलिटी टू राइज टू द ओकेजन एंड शो व्हाई द कंट्री शुड इंक्रीज फंडिंग फॉर साइंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट। तो पैंडेमिक की वजह से जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी जो एबिलिटी है, उनका जो पोटेंशियल है इस सिचुएशन में यू नो एफर्ट्स करने का, वो शो किया है। और ये भी एक तरह से डेमोंस्ट्रेट किया है, शो किया है कि क्यों हमारी कंट्री को साइंस के रिसर्च और डेवलपमेंट में फंडिंग जो है, मनी जो है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। The ICMR's approval recently of two indigenously developed tests that are rapid, low cost and have high sensitivity and specificity provides much needed boost to scale up daily testing without diluting accuracy. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी दो, हाल फिलहाल में दो indigenously developed test हैं, दो ऐसे test बनाए गए हैं जो कि हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में ही डेवलप किए गए हैं और ICMR का उनको अप्रूवल भी मिल गया है। ठीक है, और ये टेस्ट जो है ये रैपिड होने वाले हैं, जल्दी रिजल्ट्स देंगे, तुरंत रिजल्ट्स देंगे, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगी इनकी, और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मतलब जो इनका एक्यूरेसी लेवल है, जो एग्जैक्टनेस है,
वो एकदम एग्जैक्ट इनके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स अ मच नीडेड बूस्ट, एक जो बूस्ट चाहिए था, जो इनकरेजमेंट चाहिए थी, ठीक है। और वो बूस्ट किस चीज़ का था? टू स्केल अप डेली टेस्टिंग, ठीक है। कि जो टेस्टिंग है, आपको पता है अभी जो डेली टेस्टिंग है, इन टेस्ट से उसका जो मात्रा है डेली टेस्टिंग की, वो स्केल अप होगी, वो बढ़ेगी, और साथ ही साथ एक्यूरेसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डाइल्यूट नहीं होगी एक्यूरेसी, ठीक है। आफ्टर कैरिंग आउट अबाउट 1 मिलियन टेस्ट ईच डे फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्टेड नियरली 1.5 मिलियन सैम्पल्स ऑन अक्टूबर 21। तो पिछले काफ़ी हफ्तों से हर रोज 1 मिलियन टेस्ट हो रहे थे, और अगर अक्टूबर 21 की बात करते हैं तो तकरीबन 1.5 मिलियन सैम्पल्स जो हैं वो 1.5 मिलियन सैम्पल्स जो हैं वो टेस्ट किए गए पहली दफ़ा। वाइल मोस्ट टेस्ट डन ईच डे वर लो सेंसिटिविटी रैपिड एंटीजन टेस्ट, द वंस डेवलप्ड बाय द दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, अ CSIR इंस्टीट्यूट एंड IIT खड़गपुर, विल नाउ इनेबल द शिफ्ट टू मोर एक्यूरेट टेस्ट। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि एक दिन में जितने भी टेस्ट किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वो क्या थे, वो लो सेंसिटिविटी थी उनकी, ठीक है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट थे जो कंडक्ट किए जा रहे थे, और ये बेसिकली जो अब डेवलप किए गए हैं बाय, यू कैन से, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और IIT खड़गपुर, इन्होंने मिलके जो अब डेवलप किए हैं टेस्ट, ये इनेबल करेंगे, ये हमें, यू कैन से, दे हैव द पोटेंशियल टू शिफ्ट टू मोर एक्यूरेट टेस्ट। ये जो पूरा का पूरे के जो फोकस जाएगा अब, वो एक्यूरेसी पे जाएगा कि कितना सही आ रहा है टेस्ट का रिजल्ट, ठीक है। द लो सेंसिटिविटी ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट हैज मेंट दैट इवन पीपल विद सिम्टम्स वर बीइंग हैंडेड आउट अ नेगेटिव रिजल्ट नियरली हाफ द टाइम, लीडिंग टू अनडिटेक्टेड केसेस। तो इसका मतलब क्या है, जो भी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, रिजल्ट्स तो जल्दी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंसिटिविटी है, जो उसकी एक्यूरेसी है, वो लो थी। तो इस वजह से क्या होता था कि काफ़ी लोग जिनको सिम्टम्स थे, उन्हें भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता था आधे से ज़्यादा टाइम, ठीक है। सो नियरली हाफ द टाइम, तो तकरीबन आधा टाइम उन्हें नेगेटिव रिजल्ट दिया जाता था उन लोगों को भी जिनको सिम्टम्स थे। और इस वजह से काफ़ी केसेस क्या रह जाते थे, अनडिटेक्टेड, कि पता ही नहीं चल पाता था कि ये भी इन्फेक्टेड केस है। विद अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, बिजनेस ओपनिंग अप, द फेस्टिवल सीजन बिगनिंग, विंटर अराउंड द कॉर्नर, द रिक्वायर्ड फॉर अ रैपिड लो कॉस्ट टेस्ट विद हाई एक्यूरेसी इज क्रूशियल इन चेकिंग द वायरस स्प्रेड थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड रिपीटेड टेस्टिंग ऑफ इवन एसिम्टोमेटिक केसेस। क्योंकि अभी आपको पता है मूवमेंट तकरीबन अनरिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, ठीक है, और बिजनेसेस खुल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आ गया है, विंटर सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब क्या होता है कि बस आ ही चला है, ठीक है, विंटर सीजन भी। और इस सबको देखते हुए जो ज़रूरत महसूस होती है एक ऐसे रैपिड टेस्ट की और एक लो कॉस्ट टेस्ट की जिसका एक्यूरेसी लेवल हाई हो, तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा, इट्स क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है ऐसे टेस्ट की रिक्वायरमेंट। और उससे क्या होगा कि एटलीस्ट अर्ली डिटेक्शन होगा, ठीक है, एक अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सकता है, और इवन जिन केसेस में सिम्टम्स नहीं पता चलते, एसिम्टोमेटिक केसेस जो है, उन्हें भी टेस्ट किया जा सके और वायरस का जो स्प्रेड है उसे चेक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। हैविंग लोकली डेवलप्ड टेस्ट विद हायर एक्यूरेसी विल नाउ हेल्प स्टेट्स टू ऑफर टेस्ट ऑन डिमांड, क्योंकि आपको पता है अभी सिर्फ कुछ ही केसेस में जो टेस्ट थे वो किए जाते थे, लेकिन अगर लोकल, इस तरह से लोकली डेवलप्ड टेस्ट होंगे हमारे पास जिनकी एक्यूरेसी लेवल हाई होगी, तो उससे स्टेट को एक मदद मिलेगी कि वो टेस्ट ऑन डिमांड भी ऑफर कर सके, ठीक है, एज रिक्वायर्ड इन अ सेप्टेम्बर 4 ICMR एडवाइजरी वाइल कीपिंग द कॉस्ट लो। सेप्टेम्बर 4 के ICMR एडवाइजरी के अनुसार टेस्ट ऑन डिमांड जो है वो ऑफर किए जाने चाहिए। तो अगर ये टेस्ट पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, हायर एक्यूरेसी देता है कम कॉस्ट में, तो ये रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करेगा ICMR के एडवाइजरी के, और जो कॉस्ट है वो भी लो रहेंगी। वाइल द लो सेंसिटिविटी ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट अराइजेस फ्रॉम नॉट आइसोलेटिंग द वायरल RNA फ्रॉम द स्वॉप सैंपल्स एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द DNA बिफोर डिटेक्शन, द टू इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेस्ट फॉलो दीज टू वाइटल स्टेप्स। द रीजन वाई द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर फार सुपीरियर टू दैट ऑफ द रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हम बात करते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट की, तो अभी क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि इसकी सेंसिटिविटी लो है, ज़्यादा केसेस में डिटेक्ट नहीं कर पाते कई बार, तो क्यों? क्योंकि उसमें दो पॉइंट्स बताए गए हैं कि एक वायरल आरएनए जो है, ठीक है, जो स्वाब सैंपल लिया जाता है, स्वाब सैंपल्स आपको पता होंगे वो जो कि एक पाइप के थ्रू जो यू नो सैंपल्स निकाले जाते हैं, ठीक है, तो जितने भी स्वाब सैंपल्स होते हैं उनमें से जो वायरल आरएनए है उसको ये आइसोलेट नहीं करता, डीएनए जो है उसको एम्प्लीफिकेशन नहीं की जाती है, ठीक है, डिटेक्शन से पहले, जिस वजह से कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी लो रह जाती है। लेकिन ये जो दो इंडिजिनियस टेस्ट बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, ये इन दो वाइटल स्टेप्स, वाइटल का मतलब क्या होता है, ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, ये इन दोनों इम्पॉर्टेंट स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, और शायद इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रीज़न है कि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको पकड़ लेगा ये टेस्ट, और स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो गया, एक्यूरेट, एग्जैक्ट। तो ये ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है इन टेस्ट में, और ये ज़्यादा सुपीरियर रहेंगे एज कम्पेयर टू रैपिड एंटीजन टेस्ट। बट एट द सेम टाइम बोथ द टेस्ट डिवेलप लोकली डू रिक्वायर मिनिमम लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू आइसोलेट द आरएनए फ्रॉम द सैंपल्स। अभी पीछे वो पॉइंट यही पढ़ा हमने कि वायरल आरएनए जो है वो इसको आइसोलेट ये नहीं कर रहा था पुराना टेस्ट, ठीक है, जो कि इसमें किया जाएगा। लेकिन अगर ये करना है, अगर आपने आइसोलेट करना है वायरल आरएनए को सैंपल से, तो आपको एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए लेबॉरेटरी का जिसमें ये प्रोसेस किया जा सके। फॉर दैट रीजन इंडिया हैज़ टू स्टिल रिलाई ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट इन रूरल एरियाज दैट हैव नो लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी वजह से इंडिया को अभी भी रैपिड एंटीजन टेस्ट पे रिलाई करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी रूरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ फिर ये जो आइसोलेट करना है वायरल आरएनए को सैंपल्स में से, वो नहीं किया जा सकता। सो इसीलिए रिलाई करना पड़ेगा रैपिड एंटीजन टेस्ट पे। बट द टेस्ट डिवेलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशंस वंस कमर्शली अवेलेबल कैन रेडिली रिप्लेस द रैपिड एंटीजन टेस्ट इन प्लेसेस वेयर सच लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। लेकिन एक बार ये कमर्शली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो ये रेडिली रिप्लेस कर सकता है, बहुत आसानी से रैपिड एंटीजन टेस्ट को रिप्लेस कर सकता है, एटलीस्ट उन जगहों पर जहाँ पे लेबॉरेटरी की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। रैपिड एंटीजन टेस्ट विल बिकम लेस इम्पॉर्टेंट इवन इन रूरल एरियाज वंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सक्सीड इन डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स एंड टेस्ट फॉर यूजिंग सलाइवा रादर दैन स्वाब्स। अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो कम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। एक बार कुछ ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया जाए इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसमें कि स्वाब की जगह हम अपने सलाइवा से ही टेस्ट जो है वो करवा सकें। एंड डू नॉट रिक्वायर आइसोलेशन ऑफ वायरल आरएनए फ्रॉम पेशेंट सैंपल्स बिफोर एम्प्लीफिकेशन एंड डिटेक्शन। और उससे क्या हो सकता है कि अगर एक बार ही ऐसा टेस्ट अवेलेबल हो जाए तो हो सकता है रिसर्च करके आप इस तरह से उसको यू कैन से डेवलप करो कि आइसोलेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े आरएनए की। तो अगर आइसोलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वायरल आरएनए की, तो लैब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फील्ड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ सच प्रोटोकॉल्स इज नाउ पेंडिंग। तो अभी पेंडिंग में क्या है, अभी बचा क्या हुआ है, इस प्रोटोकॉल की फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक रियल सिचुएशन में जाके उनको टेस्ट करो, ठीक है, तो वो टेस्टिंग बाकी है। और वैलिडेशन, वैलिडेशन मतलब ओके साइन देना, अप्रूव करना, तो वो चीज़ अभी जो है पेंडिंग है। रिलाइंग ऑन सलाइवा सैंपल्स वुड मीन नॉन इन्वेजिंग सैंपल कलेक्शन एंड प्रोबेबली इवन सेल्फ कलेक्शन। तो अभी जो स्वाब टेस्ट होता है आपको पता है उसमें एक्चुअली आपको एक पाइप जो है वो डालना पड़ता है नेजल कैविटी में, तो कहीं ना कहीं अगर सलाइवा सैंपल अवेलेबल हो जाता है तो जो भी आपका सैंपल कलेक्शन है वो नॉन इन्वेजिव होगा। नॉन इन्वेजिव का मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर एंटर करने की इंस्ट्रूमेंट को जरूरत नहीं पड़ेगी, और शायद प्रॉबेबली मतलब शायद शायद सेल्फ कलेक्शन भी पॉसिबल हो जाए, क्योंकि ये तो आसान होगा, ये तो जो यू कैन से जो पेशेंट है वो खुद भी ये सैंपल कलेक्शन कर सकेगा। दस द रिलायंस ऑन ट्रेन्ड पर्सनल वुड रिड्यूस एंड ऑल्सो मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स गेटिंग इफेक्टेड। और अगर ये पॉसिबल होता है, अगर सलाइवा सैंपल्स के थ्रू अगर आप टेस्ट कर पाते हो, तो जितने भी ट्रेन्ड लोग हैं, क्योंकि अभी जो स्वाब टेस्ट है उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, तो अगर ये सलाइवा सैंपल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये पॉसिबल हो पाता है,
तो ट्रेन्ड पर्सनल जो है उनके रिलायंस उन पे जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम होगी, और इवन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं खतरा रहता है इन्फेक्ट होने का सैंपल्स कलेक्ट करते वक्त, वो खतरा भी कम हो जाएगा, रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो एक तो डिपेंडेंसी रिलायंस जो है ट्रेन पर्सनल्स पे कम होगी, और जो रिस्क है हेल्थ केयर वर्कर्स का इन्फेक्ट होने का, वो रिस्क भी कहीं ना कहीं, वो जो खतरा है, वो जो रिस्क है, वो मिनिमाइज होगा। सो ये एक छोटा सा आर्टिकल था रिगार्डिंग द न्यू टेस्ट दैट हैव बीन डेवलप्ड, एंड राइटर ने इसमें बात की है कि किस तरह से अगर एक बार ये चीज़ अप्रूव होती है तो क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं, और होपफुली जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। एक बार गो थ्रू कीजिएगा, एंड टिल देन कीप गोइंग थ्रू द आर्टिकल्स एंड टेक अ नोट ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट यू फाइंड। ठीक है, ओके, थैंक यू।